के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सेक्रेटरी ने किया महिला उत्पीड़न की समीक्षा, कहा खोले जाएंगे वन स्टॉप सेंटर। यूनिसेफ उत्तर प्रदेश की चीफ फील्ड ऑफिसर आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बैठक कर आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर की चर्चा, दिए दिशा निर्देश। पूरे जुलाई माह पुलिस चलाएगी बालिका सुरक्षा अभियान, एसएसपी ने कहा प्राइमरी से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक के स्कूलों में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस करेगी जागरूक। 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर अनुदेशकों ने नगर विधायक का आवाज घेरा, विधायक के आश्वासन के बाद माने अनुदेशक। बीजेपी के संगठन पर सदस्यता अभियान कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यालय पर हुई बैठक, पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियां, जिलाध्यक्ष ने कहा प्रत्येक बूथ पर कम से कम बनाए 25 सदस्य। एसएसपी ने किया सभी थानों से नामित कोर्ट के नोडल पैरोकारों के साथ बैठक, सुनवाई के मामलों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर की अध्यक्षता में हुई संपन्न, कहा कार्यालय कार्य में सरल एवं आम बोलचाल की भाषा का हो प्रयोग। ग्राम आपदा प्रबंधन योजना निर्माण एवं मॉक ड्रिल कार्यक्रम का किया गया आयोजन, यूनिसेफ के अधिकारी पहुंचे आपदा प्रबंधन की तैयारियों की लेने जानकारी। गोरखपुर जोन की 68वीं अंतर जनपदीय फुटबॉल प्रतियोगिता का एसएसपी ने किया शुभारंभ, उद्घाटन मैच में संत कबीर नगर और देवरिया की टीमें रही विजयी, एसएसपी ने कहा खेलकूद से होता है शारीरिक और मानसिक विकास। और दो सूत्री मांगों को लेकर नरमू ने सौंपा पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को ज्ञापन, कहा रेल कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं।